फाइव स्टार होटल है। ये देखिए कैसे लगता है इसका किल्ली। यहाँ पे लगा है रस्सी लेकिन फेंक दे रहा है, टूट गया है रस्सी। ये देखिए रस्सी टूट गया है, तो यहाँ लग रहा है कुंडी। रसीद है जो मैंने 2800 रुपये पे किए हैं रूम का, यही है रसीद, आप लोग मानेंगे नहीं, देख लीजिए 2800 रुपया पे किए हैं मैंने इस रूम का। और इनका तबीयत तो खराब है, ब्लॉगिंग कर नहीं सकती, तो हम ही कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे बहुत सी पब्लिक है, वहाँ तो बहुत भीड़ था, किसी किसी तरह हम लोग आए, वहाँ दिखा भी नहीं सकते आप लोगों को। हैं कि हम अम्बेडकर नगर छोचे में पहुँच चुके हैं, अभी यहीं पे हैं, और पूरा इलाका हमने देख मारा, छान मारा, रूम कहीं पे नहीं मिल रहा है। रूम का जहाँ भी बात हो रहा है, अगर कहीं मिल भी रहा है तो 5000 से 10000, उतना मेरे पास औकात नहीं है। मैं 2500 तक देने के लिए रेडी हूँ रूम का, लेकिन हम लोग दो ही लोग हैं, हम बोल रहे हैं कि सिर्फ 2 दिन रहेंगे, बट लोग मान नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2500 में नहीं होगा, और कुछ समझ में नहीं आ। जिंदगी में कभी 5 स्टार होटल तो नहीं देखे, बट आज देख लिए, क्योंकि इससे बड़ा 5 स्टार होटल नहीं होगा कोई, और क्योंकि 5 स्टार होटल का दाम दिया गया है यार। मैं इनसे कब से कह रही थी कि प्लीज़ मैं रोड में सो जाऊंगी, प्लीज़ मैं रोड में सो जाऊंगी, मैं कहीं किनारे सो जाऊंगी, आप मान जाओ मत लोग, क्या करें यार, इतना औकात नहीं है पैसा देने का। अभी हम सोच रहे हैं कि अभी हम 3000 मंगवाए हैं, वो कहाँ से भरेंगे। रात को 10:17 हो रहा है, और भूख वगैरह जो लगा था वो मर चुका है, बट क्या करेंगे, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, एक ही प्लेट खाना लिया है, वो लोग खाएँगे इसी में से खाना। रात को 11:38 हो रहा है, और अभी हम लोग दोनों लोग खाना खा के आ गए हैं, और क्या बताएं यार, इतना थक गए ना कि बोलने को भी मन नहीं कर रहा है, बट क्या करें यार, बोलना तो पड़ेगा। आप लोग हमारे फैमिली हैं, आप लोग हमारे बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा। आप लोगों के सामने ही बात हुआ है कि इस रूम में जो इस समय हम रूम में हैं, इस रूम का 2800 रुपया दिया गया है, जिसका मेरे पास शॉर्ट स्क्रीन फ़ोन पे है। मैं इतना कैश लेके घर से नहीं आई थी, कैश नहीं था जितना मेरे पास, तो नहीं दे पाई हूँ, तो मैं पापा जी से पैसा मंगवाई हूँ घर से, तो मेरे छोटे वाले देवर ने पैसा भेजा है, तो मैं पेटीएम की हूँ, तो उसका मैं शॉर्ट स्क्रीन देख सकते हैं कि ये मेरा रसीद है जो मैंने 2800 रुपये पे किए हैं रूम का, यही है रसीद, आप लोग मानेंगे नहीं, देख लीजिए 2800 रुपया पे किए हैं मैंने इस रूम का, और रूम भी कैसा है वो मैंने पहले दिखा ही दिया है, तो आप लोग खुद सोचिए कितनी दिक्कत, और मेरा तो क्या हाल हुआ है आप लोग देख ही सकते हैं, पूरा मुंह में सूजन आ गया है, हाथ पैर में सूजन आ गया है। और मैं आप लोगों से बता दूं, जो ये शॉर्ट स्क्रीन वाला वीडियो है, मैं भोर में 4:35 पे बना रही हूँ, क्योंकि रात में 2 बजे तक जगी थी, पूरी वीडियो एडिट की, एक्सपोर्ट करके 2 बार कट जा रहा था, और फ़ोन के स्टोरेज में जगह नहीं था, मैंने सोचा कि फ़ोन भर गया है, वीडियो डिलीट कर देती हूँ तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, मैंने वीडियो डिलीट किया, थोड़ा भी नहीं सोचा कि वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हुआ है तो डिलीट हो जाएगा, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि थक गई थी ना, और मैं क्या बताऊँ आप लोगों से, परेशान हो गई, रात में 2 बजे रात में लगी रोने, फिर मैं बोली वीडियो मेरा डिलीट हो गया, क्या हो गया, फिर दिमाग लगा करके, मेरा जो मोबाइल है वो सैमसंग का है, इस वजह से मतलब रिकवर हो गया वीडियो। अभी मेरा टाइम जो हो रहा है 3:05 हो रहा है, अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग नहाने जा रहे हैं, क्योंकि अगर अभी नहीं नहाएंगे तो जगह नहीं मिलता है नहाने के लिए, तो सभी लोग अभी सो रहे हैं, अभी हम लोग नहा लेंगे। 5:25 हो गया है, और हम लोग जा रहे हैं अभी बाबा का दर्शन करने, जो कि बहुत भीड़ होगा वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ होंगी। और यहाँ देखिए मेरे हस्बैंड कैसे जा रहे हैं, तो आप लोग अभी देखिए, हम लोग जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने, फिर हम लोग बाबा का दर्शन कर लेंगे, वहाँ पे मतलब मोबाइल नहीं चला सकते हैं, इसलिए मैं सोची रास्ते का व्यू आप लोगों को दिखा दूँ, तो अभी बाबा का दर्शन करेंगे, वहाँ से कई जगह जाएँगे, तो बने रहिए इस ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोग सलामी गेट से आ गए हैं और फिर जा रहे हैं, अगर हाथ छूटा हम लोगों का तो हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे, मिला जाएंगे हाथ पकड़े, इसीलिए हाथ पकड़ के भीड़ में चल रहे हैं हम लोग,
तो आप लोग देख सकते हैं, ऐसे बने रहिए। अभी देख जाना हम लोग बिलारी। और मेरी आँखें आप लोग देखिए चढ़ी चढ़ी हुई है, अभी तक मुझे नींद ही आ रहा है, नहा ली हूँ तो भी नींद आ रहा है। टाइम 6:26 हो रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं बिलाई बुबू, जो कि 3 किलोमीटर लंबा है। नहीं 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर लंबा है और हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑटो नहीं चलता है, टेम्पू चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, टेम्पू चलता है, बट हम लोग टेम्पू नहीं ले करके शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिए। सभी लोग देखिए, सब लोग पैदल जा रहे हैं। सब लोग अगर पैदल जा रहे हैं तो हम तो कहीं के नवाब साहब है नहीं कि हम पैदल नहीं जाएंगे, तो हम भी पैदल जा रहे हैं। हम लोग पैदल आए हैं और इधर से ऑटो से जा रहे हैं, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा खराब हो गया। मैं बोली थी कि मेरा तबीयत खराब हो जाएगा और वही हुआ है कि मेरा तबीयत खराब हो गया है। हाँ। सब लौट रहे हैं, सब लौट रहे हैं, देख रहे हैं सब लौट रहे हैं किस तरह से। यहाँ पे जो जैसा पड़ा है सब मरीज है, सब देख रहे हैं, सब लौट रहे हैं, सब परेशान है। धूप में ऐसे लौट रहे हैं, तो वहाँ बैठी हैं भाभी जी, वो नीचे बांध के मुँह बैठी हैं। देखिए सभी को लौट रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कमाल पंडित बाबा का स्थान है, वहीं पर सब लौट रहे हैं। हम लोग रूम पर पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हुआ था। और ये देखिए रूम खोल रहे हैं, एकदम थक गए हैं यार, माँ के साथ देख रहे हैं हम लोग का क्या हालत हो गया है। हाय फ्रेंड, आप लोग बताइए कैसे एक रंग गर्मी से एकदम थक के चूर हुए हैं। 5-star होटल का नजारा थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए 5-star होटल है, ये 5-star। देखिए किल्ली भी नहीं है यार, रात भर डर डर के हम लोग सोए, कोई मोबाइल ना ले जाए, कोई मोबाइल ना ले जाए, बट कोई ले नहीं गया है यार। थक गए थोड़ा सा, अभी चल रहे हैं, हाथ पैर धुलेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे। खाना मैं बता दूँ, ये खा लिए हैं, मैंने खाना नहीं खाया है। ये देखिए अभी पूरा सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा आप इसको सही कर दीजिए, फिर मैं पैर हाथ धुल के आती हूँ, ठीक है। ये देखिए आप लोग यार क्या है यार, देखिए ना 5-star होटल है। ये देखिए कैसे लगता है इसका किल्ली, यहाँ पे लगा है रस्सी लेकिन फेंक दे रहा है, टूट गया है रस्सी। ये देखिए रस्सी टूट गया है, तो यहाँ लग रहा है क्या कुंडी। अरे वैसा लगाओ ना वैसा, यही वो चौड़ा वाला यार, करा चौड़ा वाला, चौड़ा वाला, चौड़ा वाला नीचे। में 2:14 हो रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि अभी देख ही रहे हैं सो करके उठी हूँ, अब बहुत ज़्यादा थक गई थी, 3 बजे रात में जगी थी और बहुत थक गई थी, तो आई हूँ तो तुरंत सो गई हूँ। ये तो खाना खा लिए थे बट हम खाना नहीं खाए थे, तो अभी हमको ये जगाया, कह रहे हैं चलो कुछ खाना खा लो, तो अभी हम जा रहे हैं, देखते हैं अगर कुछ अच्छा सा मिल जाता है तो खाते हैं, नहीं तो कोई नहीं। अच्छा भूख नहीं लग रहा है, क्योंकि याद आ रहा है बच्चों को, अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं कैसे होंगे बच्चे लोग। तो अभी हम जाते हैं, खाना आ चुका है और एक ही प्लेट खाना ली हूँ, इतना ही नहीं खा पाऊँगी, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं ना, घर का खाना कुछ और होता है, बाहर का खाना कुछ और होता है। तो हमारे हस्बैंड और मैं दोनों लोग मिलके खाएंगे, ये तो सुबह खा चुके हैं, हम सुबह खा चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरा साथ देंगे तभी हम खा पाएंगे, नहीं तो अकेले नहीं खा पाएंगे। खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ, आप लोग भी आइए खा लीजिए यार, थोड़ा सा खा के टेस्ट करके बताइए कि कैसा है। बच्चा से निकल चली, जा रहे हैं हम लोग फकीरा बाबा। यहाँ देखिए कितना कचरा था, पैर देखिए एकदम काधा कचड़े में है हम लोगों का, और इनका तो तबीयत बहुत खराब हो गया है, और बहुत यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर लमसम होगा फकीरा बाबा का स्थान, जहाँ पे हम लोग जाएंगे माथा टेकेंगे, उसके बाद जो भी हाजिरी उजरी मारना रहेगा मारेंगे। फिलहाल आप लोग देखिएगा, इससे बहुत तेज धूप है और इनका तबीयत तो खराब है, ब्लॉगिंग कर नहीं सकती, तो हम ही कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पीछे बहुत सी पब्लिक है, वहाँ तो बहुत भीड़ था, किसी किसी तरह हम लोग आए, वहाँ दिखा भी नहीं सकते आप लोगों को। अगर तो वहाँ मोबाइल निकाल लेते तो मेरा मोबाइल कोई फोड़ देता यार। चलिए ठीक है, अपना शरीर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग उतर रहे हैं, जा रहे हैं, अब यहाँ से उतर के जा रहे हैं नीचे की तरफ, और जान सकते हैं कि जा रहे हैं नीचे की तरफ, दर्शन कर चुके हैं। क्या कर रहे हैं देख रहे हैं, कितना कचरा हो गया है एकदम, देख रहे हैं पूरा कचरा कचरा हो गया, ऊपर से बारिश आ रहा है, अब जा रहे हैं हम।
मोबाइल भी खराब हो जाएगा बारिश में। ऐसे बारिश आ रहा है, इतना कचरा है ना, इतना कचरा है, बहुत तेज की बारिश आ रहा है, देख रहे हैं, कह रहे हैं मोबाइल रखिए, बारिश आ रहा भीग जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया जगह ही बात देखा तड़ा न, बहुत कचरा है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आ गए हम लोग, ओ सीट किस तरह भाग गई, भाग गई दौड़ते दौड़ते, वो बारिश से भाग गई, ओ गॉड। हैं कि रात को 10:35 हो रहे हैं और इस वीडियो को काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हम इसको अभी इसी वक्त एंड कर रहे हैं और इसको एडिट करेंगे, रात में अपलोड करेंगे, तो कल सुबह आपको 10-11 मिल जाएगा। और आज खाना हम लोग नहीं खाएंगे क्योंकि बहुत ज़ोर का बारिश हो रहा है और खाना जहाँ मिलता है वो कम से कम थोड़ा दूर है, तो पैदल जाने का तो थोड़ा भी हिम्मत नहीं है। फेस देख के आप लोग, मूँगफली है, ये देखिए मूँगफली लाए हैं, यही खाएंगे और पानी पियेंगे, सो जाएंगे। आप लोग भी यार स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, मैं अपना रख रही हूँ। आज देखिए सब लोग कह रहे हैं भाभी सवाल जवाब, तो मैं घर पे आऊँगी, सवाल का जवाब और सब कुछ, मतलब गाना वगैरह सब सुनाऊँगी। अभी तो बोलने भर का टाइम नहीं है, आप लोग देख रहे हैं ना, मुँह झुरा गया खाए बगैर। आज अभी खाना नहीं खाए हैं और इतनी टाइम खाएंगे भी नहीं, बहुत बारिश हुआ है, चाटा बहुत ज़्यादा है, जाने का बिल्कुल भी पैर दुख रहा है, मन ही नहीं कर रहा है। तो आप लोग सो जाइए, गुड नाइट एंड टेक केयर।